बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी पहुंच गए हैं हम, वाकईतन जैसा सुनाया था आपको, जैसे बताया वही है। आसपास पास कोई आबादी नहीं है और आबादी के बीच में एक ये जगह है जहाँ कहते हैं कि जी जादूगर जो हैं वो जमा होते हैं सारे यहाँ पर, अपने मामले करते हैं। लोग देखते हैं कि मखलूकात आग के गोले उड़ रहे हैं। अच्छा, मेन गेट की चाबी हमें मिल नहीं सकी है, गाड़ी अंदर जाएगी नहीं, छोटा गेट खोल के चले गए हैं वो लोग। चले बाहर से देखें। अंदर जाने से पहले सिर्फ ये पूछूंगा ना, तो अब कहाँ है? लोग कहते हैं अजीब व गरीब से यहाँ पर लोगों को देखा गया आते जाते हुए। उनके हुलिये भी बड़ी अजीब से थे, उनके चेहरे भी बहुत अजीब से थे। और यहाँ से उन्होंने देखा है कि आग के गोले जो है ना वो निकल रहे होते हैं इस जगह से, आवाजें अजीब व गरीब सी आती हैं और कोई तंत्र मंत्र की आवाजें नहीं होती जो वो करते रहते हैं। तो क्या मार के भगाया उनको? वैसे तो जाने वाले नहीं है, अगर वो खुद चले गए तो फिर बड़ा मुसीबत हो जाएगी इलाके वालों के लिए। कह रहे कि चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई और आता है ना अगर उनके अलावा तो आवाजें आती हैं, नुकसान होता है, नुकसान होता है। और वो लोग आज भी आते जाते हैं, शायद हों भी अंदर। पक्का चलें देखें, बात करें उनसे, पता करें कि ऐसी जगह बताते हैं कि वो लोग आते जाते हैं अंदर। जी वही कहते हैं। नहीं, आना जाना तो दूर की बात है, अगर ये पता चल जाता है कि ये शहर में जो जगह जगह ऑफिस बना के बैठे हुए, अगर इनका मस्कन ये है इलाके वालों ने तो भगा दिया होगा उनको, तो नुकसान दे जाएगी। तो भाई इलाका भी तो आप चेक करें, देखें सन्नाटे में आके तो बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है चारों तरफ। जो थोड़ा बहुत दूर दूर घर है वो तो डरते होंगे ना यार। हाँ, काफी दूर दूर तक। ये कहा गया हमें कि जी यहाँ पर जो है ना जादूगर हजरात जमा होते हैं, उनकी कोई मीटिंग कह लें, कोई अमल कह लें, कोई चिल्ला कह लें, उनका कोशिश जो है ना वो इधर बैठ के करते हैं। कई लोगों को बुलाते भी हैं यहाँ पर, उनके काम वाम नहीं करने होते जो उतारा और ये वगैरह, उतारे के नाम पे पता नहीं, अल्लाह माफ करे क्या। अस्तगफुर। चलो देखो, कोई और है ही नहीं यहाँ तो, ना बंदा है ना बंदे की जात है। चलो ये क्या, ये बच्चा रो रहा है, गधा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। ये क्या, ये बच्चा रो रहा है, ऐसा बच्चा रो रहा है। मुशावत तो गधे जैसी थी लेकिन गधा तो नहीं रही। हाँ, सुबह बहुत अरसे बाद हमारी गाड़ी यहाँ दाखिल हुई है, पूछें क्यों। मैं गाड़ी से उतरा ना, मेरे मुंह पे जाले लगे और ये देखें हमारी गाड़ी पे जाले आ गए हैं बहुत सारे, नज़र आ रहा है आपको लेयर जाले। हाँ, ये देखें आप, ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा हुआ रिकॉर्ड, लेकिन वैसे नज़र आ रहा है। और ये जाले हमारी गाड़ी के ऊपर है, ये लकीर नजर आ रही है जी, आ रही है। मैं उतरा ना गाड़ी से जी, मेरे मुंह पे जाले लगे और हमारी गाड़ी के आगे के जालों ने जो है ना, मतलब कोई आया नहीं है, कोई सवारी आई नहीं है यहाँ पे इतने अरसे से। आवाज़ बड़ी अजीब थी यार, बड़ी अजीब थी आवाज़, खामोशी नोट कर। यार मैं रुमाल ले लूं, एहतियात करना साथ। चलो चले।
गिरा कुछ हमारे पे, ऐसा लगा हम पे कुछ आया। जो आवाज आई वो इसकी नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, वो उस तरफ से बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है। और ये घर बनाया हुआ है, ये बनाया है इस तरफ पर, लेकिन फिर भी तट से कोई आया नहीं है वाकई। हाँ, वो तो नजर आ रहा है। जाले ही जाले हर जगह पर। चमगादड़ों की आवाजें, झींगरों की आवाजें, टटेरी की आवाज आ रही थी। हाँ, जब हम इन्हें रहते ना, जैसे हम गाड़ी से उतरे थे। अच्छा। जानवरों के लिए शायद बनाने की कोशिश की गई। हाँ हाँ, ये दाने के लिए ना। हाँ, सही कह रहे हैं। अल्लाह यार, इधर तो कोई भी नहीं आया। ये हाल देखने, क्या हाल है इसका। चलते, जंगल बन गया ये तो। वो चेक कर रहे हैं। तो ये बाहर आना चाह रही है यहाँ से। ये लाइट के बीच में सजा थी, ये उड़ती भी है ना। हैं? उड़ती भी है। अच्छा, ये नहीं, वैसे जो कहते हैं चमकदार चीज जहरीली बहुत होती है, और ये शाइन बहुत कर रही है। सोलबे, इसको चेक तो करें, क्या है ये। जूम करना इसका सुना है कि ये काटे है ना सूरज भाई। हाँ। पानी भी बंदा पिए तो उसी टाइम खत्म। नहीं यार, इसके डंग से तो चुपी नहीं हो रही। चमगादड़े हैं जी दरख्तों में। Thank you.
जूता है, ग्लव्स है। उतरते हुए जो निशानियां मिली हैं, हम गाड़ी से उतरे हैं, कई जानवरों को भौंकते हुए रोते हुए सुना, रिकॉर्ड किया, टटेरी एक के बाद दूसरी, और कुछ ऐसे नायाब कीड़े नज़र आए हमें जो बकौल आपके काटे तो इंसान पानी पिए तो वो भी उसके लिए जहर बन जाए। अल्लाह पाक महफूज रखे हम सबको। कहते हैं जगह अपने आप खुद बताएगी आपको, इसमें आप क्या बताएंगे वो खुद अपना बता देगी कि मैं क्या हूँ, कब से हूँ, कैसे हूँ। बस हमसे ये कहा गया है कि कोई यहाँ पर वक्त नहीं गुजार सकता। चले, फर्स्ट टाइम है, यकीनन हमारे लिए चैलेंज ही हो गया है। तो भाई एहतियात से और कीड़े मकोड़ों से भी एहतियात से। जंगल बन चुका है, कभी जानवरों को बांधा था यहाँ पर। चल भाई, कभी बाड़ा था ये। ये चेक कीजिएगा इसको। कभी जानवर बांधे थे यहाँ पर बहुत, तो जंगल बन गया। कमान देख के बेटा, आसपास देख के प्लीज, वो जगह है सोल भाई। ये क्या है? ये कौन सा फल है साहब? नहीं दादा, कांटे। कांटेदार होता है। क्या है, क्या ये कुछ पता है? बहुत बड़ा अंडा। बड़े सांप है ना, सांप भी होंगे भाई। यार कुछ रह गया है यहाँ पर, सब कुछ रह गया। ये वाकई बड़े सांप का अंडा है दादा, नीचे देख रहे ना। ये यहाँ क्यों रखा हुआ भाई? यार हम जैसे पढ़ रहे हैं जानवर रो रहे हैं अंदर। ये जाला चेक करें, बहुत बड़ा जाला है सुल। क्या था ये? पता नहीं, बड़ी भारी आवाज़।
क्या था ये? पता नहीं। क्या था ये? पता नहीं। यार अल्लाह माफ करे, जानवर टटेरी, ऐसा लग रहा है सब रोक रहे हैं जाने से, मत जाओ यार। भाई अजीब सी फीलिंग है यार आज, तो डर भी लग रहा है, कीड़े मकोड़े सांप।